जैसे भोजपुरी के जो स्टार गए हैं सब यहाँ से, और वो है सब यहाँ में, इन सब का, इन लोगों के कलेजा में इतना दम है जो खड़ा होकर कह सके कि भोजपुरी गाने के लिए सेंसर बोर्ड बनना चाहिए जो डिसाइड करे कि क्या गाना गाना है क्या नहीं। बेमत है इन लोग का। हाँ, उधर से मोटा भाई खास के खा बैठ जाओ। ओ सर, गलती हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान, उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक खान सर का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं, जो चुने हुए अपने लोकसभा से जो मेंबर हैं, वो संसद भवन में क्यों नहीं अपना मुद्दों पर बात करते हैं, अपने विकास के लिए बात करते हैं, क्षेत्रों के बारे में क्या कमी है क्या कमी नहीं है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। उसमें उन्होंने एक सही बात बोला कि इन लोगों के मुंह में से बोली नहीं निकलता है लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कारण क्या है। जब तक भाई तुम अपने मुद्दों को पार्लियामेंट में रखोगे नहीं, तो तुम्हारी मांग कौन जानेगा कि तुम्हारी तुम्हारे लोकसभा में की चीज़ें कमी है नहीं है। लेकिन तुम मांगो क्यों भाई। उन्होंने ठीक बोला कि भोजपुरी के जो कुछ सुपरस्टार जो वहाँ पर गए हैं सांसद बने हुए, हम लोग तो बहुत गर्व से भेजे, मेरा भाई जा रहा है संसद में बैठेगा, अपने क्षेत्रों के विकास के लिए बात करेगा। अरे भाई, क्षेत्र के विकास की बात तो छोड़ो, ठीक ही बोले खान सर, क्या तो भोजपुरी के लिए सेंसर के लिए तो मांगे नहीं कर पाए कि भोजपुरी में एक सेंसर हो जो अच्छे गानों को प्रमोट करे और बुरे गाने को वो बिल्कुल रिजेक्ट करे। आप और हम सब बात करते हैं कि भोजपुरी में कुछ फुहरता है तो बिल्कुल उसके लिए सेंसर होना चाहिए, लेकिन उस सेंसर का मांग कौन करेगा। जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं लोकसभा के अंदर, जब वही नहीं बोलेगा तो किसका सुना जाएगा भाई। तो इन लोगों के मुंह से बोली तो निकलता नहीं है, और निकलेगा क्यों बोली मेरे भाई। उसको खुद पता है कि हमारे पास कुछ, मेरे पैर के नीचे जो भी जो ज़मीन है ना वो दलदल है। अगर मैं कुछ बोलूँगा उनको ख़राब लगेगा, अगला बार टिकट भी नहीं देगा तो बाबा जी का घंटा बजाएंगे उसके बाद तंदूरा। चाहे दिनेश लाल यादव हो या रवि किशन जी हो, इन लोगों के बहुत हम लोग मतलब मन से हम लोग मानते हैं और इज्जत करते हैं और चुन कर वहाँ भेजने के कार्य किए हैं। तो आप भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड के बिल्कुल मांग करने चाहिए। आप देखें इस वीडियो में जो खान सर बोल रहे, बिल्कुल उनके बात को मैं अप्रिशिएट करते हैं और समर्थन करते हैं। अगर आपको वहाँ अगर चुन के हम लोग भेजे हैं तो आपको बिल्कुल मांग करनी चाहिए। हमारे लोकसभा में अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, या स्वास्थ्य का, चिकित्सा, एजुकेशन, कोई भी चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो तो बिल्कुल आपको आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे भोजपुरी में सेंसर बोर्ड की बात हो या तमाम किसी भी तरह की बात हो, तो आप लोगों को मुखरता होकर बात करनी चाहिए। लेकिन आप लोग तो कुछ बोल भी नहीं करते हैं जी पार्लियामेंट में, तो करते क्या हो। फाइनली बात यही है भाई कि तुम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम लोगों का घर चल रहा है अच्छा खासा, फिल्म इंडस्ट्री से भी कमा रहे हो, गाना से भी कमा रहे हो, तो तुमको क्या जरूरत है। मर रहा है पब्लिक, आम पब्लिक, बुड़बक जो हम लोग बन के आपको वहाँ पर चुन के भेजते हैं। आप क्यों बोलोगे भाई, आप क्यों विद्रोह करोगे पार्टी से। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं विद्रोह करूंगा, अगर कुछ ऐसा डिमांड करूंगा जो नहीं मांगा जाएगा, हो सकता है अगला बार हमको टिकट भी नहीं मिले। तो इसी डर में तुम नहीं बोलते हो भाई, लेकिन बिल्कुल आपको बोलना चाहिए। अगर आप भोजपुरी के धरोहर हैं आप लोग, और आप ही लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। एक तो दिनेश लाल यादव जी हैं, उनसे कुछ भी अगर मीडिया पूछेगा ना तो बोलेंगे इसका फॉर्मूला तो मोदी जी के पास है, वही बताएंगे। तो भाई ऐसे नहीं चलता है यार, इसी कारण तुम इस बार चुनाव हारे हो। अपने पास भी कुछ एबिलिटी रखो ना, कुछ बताने को, कुछ करने को। हर चीज़ में मोदी जी की भी इस बार हालत ख़राब हो गया था। अब बिल्कुल ऐसे लोगों का हालत ख़राब होती ही रहेगा जो सिर्फ फेंकने के लिए जानते, कुछ करने के लिए नहीं। अगर आप लोगों को वहाँ कोई भेजा गया है तो शेर की तरह वहाँ पर गरजो और अपने लोकसभा के लिए मांग करो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे पप्पू यादव शेर की तरह गरज कर पूर्णिया के लिए मांग करता और पूरे बिहार के लिए कहता कि 20 फैक्ट्री चाहिए। नरेंद्र मोदी जी किसी कृपा पर जीत कर नहीं आया, खुद अपने बल पर जीत कर आया हूँ। पूर्णिया वासियों ने अच्छा कार्य किया पप्पू यादव को जिताकर, और आप लोग इतने बड़े स्टार होकर भी अगर हार जा रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों में कमियां हैं और गलतियां हैं, क्योंकि आप लोग अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। चाहे मनोज तिवारी जी हों, सभी लोग सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेकने के फेरा में है भाई। चुनाव लड़ने से पहले सभी लोग लंबे लंबे वादा करते हैं कि हम भोजपुरी के लिए डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे, सेंसर बोर्ड की स्थापना करवाएंगे, और चुनाव जीतते हुए सब अपना अपना दुनिया में व्यस्त हो जाते हो। तो भाई तुम लोग को भी ये सोचना चाहिए यार, अगर तुम ही लोग नहीं लड़ोगे भोजपुरी के समाज हो के, बिहार का शान हो के, तो कौन लड़ेगा। वो तो फिर हमने बना दो, हम ही लड़ते हैं वहाँ जाके।